दोस्तों आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे पीसी की है प्रॉब्लम। ये मेरे को काफ़ी कई दिनों से मेरे को देखने को मिल रहा था और काफ़ी लंबा समय हो गया मेरे को इसको सॉल्व करने में, और तभी मैंने डिसाइड किया भाई आप लोगों को भी बताएंगे ये प्रॉब्लम, और आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आपको बताते हैं। पीसी में मेरे क्या हो रहा था कि काफ़ी दिनों से इस प्रकार की झंझनाहट वाली चीज़ें हैं वो शो हो रही थी, और इसके बाद इसको मेरे को चालू करने में जैसे कि ये झंझनाहट वाली चीज़ें शो होती थी उसके बाद में मैं पावर ऑन ऑफ करता था, तो 2-3 बार अगर मैं करता था तब जा करके जो हमारी पीसी है वो स्टार्ट होती थी। और जब कभी भी बरसात या फिर ठंडा मौसम आ जाता था तो क्या होता था जो पीसी है उसको स्टार्ट करने में 1 घंटा या फिर 2 घंटा लग जाता था। तो मेरे को लगा भाई ऐसा मेरे को लगता था भाई ठंडा मौसम है, शीत वीत लग गया है, इस प्रकार चीज़ों मेरे को थोड़ा सा मेरे को देखने को ऐसा सोचने को मेरे को लगता था। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से भी पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बोला ठंडा मौसम हो सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया ये प्रॉब्लम गर्मी भी मेरे को देखने को मिली, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया। फिर क्या होने लगा कि काफ़ी लंबे टाइम से कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे ऐसा लगते थे इस पीसी को चालू करने में। तो फिर मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा भाई अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मैंने काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर भी देख डाली। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोला भाई इसको थोड़ा सा जो रैम वैम है उसको क्लीन करो, तो मैंने क्लीन किया, उसको भी मैंने ट्राई किया, मैंने जो पीसी है उसको अच्छे से तरीके से क्लीन अप भी किया, उसको सफाई वफाई भी की, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा भाई एक बार थोड़ा सा देखते हैं कुछ एडवांस तरीका यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक जो रैम है उसको निकाल करके, और एक ही रैम पर मेरा 4 GB का रैम था, 2-2 GB का था, तो एक 2 GB का मैंने लगा के जस्ट स्टार्ट किया तो जो पीसी थी नॉर्मली स्टार्ट हो गई। तो मैंने क्या किया, मेरे को लग गया, मेरे को समझ आ गया भाई अभी ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है किससे, रैम से आ रही है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक रैम ऑर्डर कर दिया जो कि 4 GB का था, और उसको ऑर्डर करने के बाद मैंने जब उसको लगाया तो देखिए क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों अभी जो हमने रैम है वो इंसर्ट कर ली है, और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा पीसी अभी ठीक हुआ है कि नहीं। हमने जो पावर सप्लाई है वो चालू कर दी है, और अभी हम जस्ट इस ये जो CPU है ठीक है उसको हम चालू कर रहे हैं, और देखिए CPU ऑन हो चुका है। उसके बाद में मॉनिटर में भी जो पावर सप्लाई है उसको ऑन कर देते हैं ठीक है। तो अभी देख सकते हैं डायरेक्ट जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। तो आई होप ये जो पावर जो भी मतलब मैंने इतने टाइम से प्रॉब्लम फेस किया वो अभी सॉल्व हो चुकी होगी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या तरीके से, ये देखिए लोडिंग चालू हो गया, तो ये ऑन हो जाए तो मेरे को लगे कि भाई सभी जो सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको थोड़ा सा देख लेती है। तो यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट जो विंडो है वो आ गई। तो चलिए एक बार उसका जो पासवर्ड है वो इंटर हम कर दे रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड इंटर कर दिया, और देखिए ये विंडो है अभी चालू हो जाएगी। तो मैंने जो रैम था वो चेंज कर दिया है, ये देख लीजिए वो रैम है ओल्ड वाली, और इसी के कारण ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी ठीक है, इसी के कारण। तो यहाँ पर आप देख लीजिए विंडो है वो ओपन हो चुकी है, और अब देखिए थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि काम कर रही है कि नहीं। तो आई थिंक सभी सबसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो मेरी प्रॉब्लम है इस तरीके से सॉल्व हुई। तो आपकी भी अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले मेरे को कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, और अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है तो मेरे को प्लीज़ बताइए ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी इसको मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा था, 1 साल से, और आज ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए जिसको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, और इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं, कोई अलग तरीके से मतलब चीज़ें नहीं करते, जो भी सही जानकारी होती है वो यहाँ पर हम हमेशा देने का प्रयास करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। I'm not afraid of the dark.